हेलो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो ये शेडेड लीफ कैसे बनाई जाती है उसका है। इसके अलावा ये मोटिव हमारा दो पार्ट्स में आएगा। एक फर्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि ये कैसे हमने ये शेडिंग दार लीफ बनाई है, और सेकंड पार्ट में ये रोज फ्लावर कैसे बनेगा। ये मोटिव बहुत ही आसान है, और बेडशीट पर या किसी भी कुशन कवर पर ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हमने यहाँ लीफ की शेडिंग के लिए 3 टाइप के कलर्स यूज किए हैं। एक ये डार्क ग्रीन है, एक इसके शेडेड लीफ बनाने के लिए जो 3 कलर्स हम यूज कर रहे हैं उसमें जो डार्केस्ट कलर होता है, हम उससे सबसे पहले ये अपनी लीफ की आउटलाइनिंग करते हैं। या आउटलाइनिंग के लिए आप या तो स्प्लिट स्टिच यूज कर सकती हैं या फिर स्टेम स्टिच यूज कर सकती हैं। हम यहाँ पर स्टेम स्टिच का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से अपनी सुई को ऐसे निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे से स्टिचेस लेकर हम यहाँ पर स्टेम स्टिच बनाएंगे। इस तरह से पूरी लीफ की हम आउटलाइनिंग स्टेम स्टिच की मदद से करेंगे। यहां से देखिए, इस तरह से ये आउटलाइनिंग हो रही है जो कि स्टेम स्टिच की मदद से है। पूरे में ऐसे ही आउटलाइन करेंगे हम। देखिए, एक बार आउटलाइनिंग हो गई है, फिर बीच से हमने ये जो ये वाली वेन है इसके पास से यहाँ पे अपना धागा निकाल लिया है, और बहुत ही पास पास और घनी घनी स्टेम स्टिच से हम ये बीच की ये लाइन प्रिपेयर कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही पास पास वाली यूज कर रहे हैं जिससे ये मोटी आए हमारी स्टिच, बीचों बीच में ये बनाने हैं। इस तरह से आप चाहें तो जो शेडिंग का स्टाइल हम अभी बताएंगे उस तरह से आप किसी भी लीफ को बहुत ही खूबसूरती से और आसानी से बना सकती हैं। अगर आप शेडिंग वर्क से कर रहे हैं तो वहां पर अगर आप शेडेड लीफ भी साथ में यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसके अलावा अगर आपको क्राफ्ट क्राफ्ट या एम्ब्रॉयडरी रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट हो, कोई क्वेरी हो, तो फेसबुक पर हमारे ग्रुप या हमारे पेज पर क्वेरी अपनी पोस्ट कर सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये हो गया। बीच की लाइन काफ़ी मोटी मोटी सी हमने बना ली है। इसके बाद हमने अपनी सुई को इसी जगह से पास से यूं निकाल दिया। अब हम शुरू करेंगे अपनी ये शेडिंग का फर्स्ट रो। इसके लिए हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच यूज़ करेंगे। ऐसे देखिए, कुछ स्टिचेस हमारी लॉन्ग बनेगी, कुछ हमारी शॉर्ट बनेंगी। ये देखिए, अभी ये वाली लॉन्ग थी, अब हम यहाँ पर शॉर्ट बना रहे हैं। ये जो बीच की ये आउटलाइनिंग हमने की है, ये आउटलाइनिंग के ऊपर से हम ऐसे करते जाएंगे। ये फिर हम एक लॉन्ग स्टिच बनाएंगे और एक शॉर्ट स्टिच साथ में। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा करना है या वैसा करना है। आप बस अपने अंदाज से एक लॉन्ग एक शॉर्ट स्टिच से पूरा का पूरा ये लीफ आपको भरना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच यूज करते जा रहे हैं। रेंडम है, इस तरह से हमारी ये लीफ की आधी हिस्सा पूरा होगा। इस मोटिफ को जो यह जिसमें हम लीफ बना रहे हैं, इस मोटिफ में जो रोज फ्लावर है वो भी हम शेडिंग वर्क से ही बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच से बना लिया। अब इस साइड भी सेम यही ढंग से बना लेंगे। देखिए, दोनों तरफ हमने ये डार्क कलर से लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच बना ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ये जो हमारा सेकेंड नंबर का धागा है वो यूज़ करेंगे। ये देखिए, हमने ये ले लिया, और उसके बाद फिर उस स्टिच उधर से हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इस कलर से भी हम वैसे ही रैंडम चलाते जाएंगे अपनी सुई को। फिर यहाँ यहाँ थोड़ा सा गैप बीच में छोड़ देंगे या बीच में लाइन के पास, क्योंकि अभी हमें एक कलर और भी लगाना है। इस तरह से हमारा ये कलर जो कि मीडियम था, ये भी हम अपना यूज करते जाएंगे। पूरे में ऐसे ही अब इस साइड में ले आएंगे धागे को।
जब एक बार ये सेकेंड कलर भी लग गया उसके बाद हम ये थर्ड कलर अपनी सुई में ले लिया है और फिर वो भी रेंडमली इस लीफ में थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से निकाला, फिर यहाँ ऐसे, बस तीनों कलर को किसी तरह से ब्लेंड करना है आपको। हम लोग यहाँ पे अपनी जो मेन स्टिच है उसको स्प्लिट करते जाएंगे और तब ये अगला रंग जो है वो लगाते जाएंगे। ये देखिए तरह से लीफ में करना है आपको, वो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी एक बार। फिर यहाँ से ले जाएंगे आप ये। अब तीनों कलर एक साथ ब्लेंड हो चुके हैं, अभी एक स्टेप और बचा है। इस तरफ से भी हम ये ऐसे ही कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बताते हैं। चाहे तो अपनी लीफ को इतने में ही कंप्लीट मान सकती हैं, पर एक सीक्रेट स्टेप जो हम अपने एम्ब्रॉयडरी में करते हैं, यहाँ देखिए इन दोनों लीव्स का आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, वो ये है कि हमने डार्क कलर का धागा अपनी सुई में फिर से लिया, ये जब पूरा बन गया और फिर रेंडमली कहीं से भी हम अपना धागा यूं डार्क कलर में इंसर्ट करा और फिर थोड़ी थोड़ी दूर पे सिर्फ लॉन्ग स्टिचेस को डालते जाएंगे। ये यहाँ से यूं, फिर एक बार इधर से लॉन्ग स्टिच, जितनी भी है वो हम अब लॉन्ग स्टिचेस ही डालेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे सिर्फ लॉन्ग स्टिचेस डाल देंगे ये, और ज़्यादा जितने भी कलर हैं उसको पकड़ने में आपको मदद करेगा, मतलब सारी चीज़ें ब्लेंडेड फॉर्म में ही दिखेंगी अब तो इस तरह से। ये देखिए कोई डाउट है ही नहीं कि ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई है या ख़राब हुई है। इस तरह से आप ये इस स्टेप के बाद पत्ती इस ढंग की दिखाई देगी जो प्रॉपर शेडेड दिख रही है। ये देखिए, अगर आपको मेरा यह वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो